देखो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन के गैलरी में कैसे लॉक लगा सकते हो। देखो कई बार होता है ना, आपका फोन अगर कोई ले लेता है, कोई भी आपका गैलरी यहाँ पर सिंपली टच करके वो आपके सारे फोटोज़ वगैरह देख सकता है या फिर वीडियो वगैरह देख सकता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने गैलरी को यहाँ पर लॉक लगा सकते हो। जैसे आपका कोई भी अगर पर्सन आपकी गैलरी को ओपन करे, यहाँ पर लॉक शो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसे करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो इसमें आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने का जरूरत नहीं होने वाला है, ये बस आपके फ़ोन में ही हो जाने वाला है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ है यहाँ पर हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो इसे करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होता है ना, सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिंपली आओगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐप नाम का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। ये देख पा रहे हो, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देखो काफ़ी सारे सेटिंग आ जाते हैं, ऐप लॉक का एक फीचर यहाँ पर हमें मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर सिंपली टैप करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है ना, टर्न ऑन वाले ऑप्शन में यहाँ पर हम सिंपली टैप करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप दिखा सके, आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा गया है कनेक्टेड लिस्ट 4 डॉट्स, मतलब 4 डॉट को आपको टच करके एक पैटर्न बनाना होगा जो आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ, ये मैंने बनाया है, फिर से कंफर्म बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इस पैटर्न को बना लिया है, अब यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आपका MI का फ़ोन है तो इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो पासवर्ड रीसेट वगैरह करने के लिए। तो आपका यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने Xiaomi अकाउंट को, नहीं तो आप नोट नाउ भी यहाँ पर सिंपली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके करने के बाद यहाँ पर नोट नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें हम यहाँ पर सिंपली टैप करते हैं। अब देखो यहाँ पर सेलेक्टेड ऐप आ चुका है, अब आप यहाँ से खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो किसे आपको लॉक करना होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट है, आप अनसेलेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो। देखो गैलरी भी यहाँ पर सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर यूज़ लॉक में आपको टच करना है। एंड फिंगरप्रिंट भी आप यहाँ पर दे देना, फिंगर से भी ओपन हो जाने वाला है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने जो भी ऐप्स है ना, वो सारा ऐप्स यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। अगर आपको गैलरी में ऑप्शन पहले से सेलेक्ट नहीं होगा तो इस तरीके से ऑफ आपके सामने आएगा, आप यहाँ पर सिंपली इसे ऑन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका गैलरी लॉक हो जाता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो मैंने अनलॉक किया एंड गैलरी वाला ऑप्शन में आ गया, गैलरी जो ऐप आ रहा है इसमें यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ एंड यहाँ पर देखो यह लॉक हमारे सामने शो हो रहा है। एंड जैसे मैं टच करूँगा फिंगर तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ठीक है। बाकी देखो अपने ऐप्स को कैसे आप हाइड कर सकते हो बिना कोई ऐप को डाउनलोड किए हुए, अपने फ़ोन के डायलर में कैसे आपको हाइड करना है अपने ऐप को नहीं पता है, तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। एंड हाँ, चैनल में हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।